नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी। आई करेंगे खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद का सरकार और पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। उसकी तरफ से अल्टीमेटम आया है कि महंत मोहनदास की बरामदगी के लिए 2 दिन हम दे रहे हैं। अगर 2 दिन तक महंत मोहनदास का पता नहीं चलता है तो हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 4 अक्टूबर से हर की पैड़ी में बेमियादी धरने पर बैठेंगे संत। तो यह अखाड़ा परिषद की तरफ से सरकार को और पुलिस विभाग को अल्टीमेटम मिला है। अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया है महंत मसले पर बड़ा फैसला। तो अखाड़ा परिषद ने बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। महंत मोहनदास 15 सितंबर की आधी रात से लापता हैं, जिनका अब तक कोई भी अता पता नहीं चल सका है। पुलिस प्रशासन बकायदा उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। मौजूदा सरकार के तमाम नेता, खुद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बड़ा अखाड़ा पहुंच चुके हैं, महंत और संतों को आश्वासन दे चुके हैं, सांत्वना दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई है जिससे तमाम संतों को यह महसूस हो कि यहां वास्तव में कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के बाद मोहनदास का पता चल पाएगा। लेकिन अब तक मोहनदास का बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसी बात को लेकर अखाड़ा परिषद के संतों ने सरकार और पुलिस महकमे को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम देते हुए यह कहा है कि महंत मोहनदास की अगर बरामदगी 2 दिन के भीतर भीतर नहीं होती है तो 4 अक्टूबर से हर की पौड़ी पर बेमियादी यानी एक अनिश्चितकालीन धरने पर तमाम संत बैठ जाएंगे। तो अखाड़ा परिषद की बैठक में ये एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। महंत मसले पर फैसला लेते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। अखाड़ा परिषद ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, महंत मोहनदास बीते 15 सितंबर की आधी रात से लापता हैं और उनका अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। यहां पर अगर बात करें हम उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो खुद अखाड़े में जाकर सांत्वना देकर वापस लौटे थे और भी बाकी तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे थे। अब स्थिति ऐसी पेचीदा बनी हुई है कि विपक्ष भी इस मामले को लेकर उग्र नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार पर कि मौजूदा सरकार किस तरीके का ठोस कदम उठा रही है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अब से पहले NH-74 घोटाले का खुलासा करने वाले IAS अधिकारी ने भी अपनी जान का खतरा बताया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहद पेचीदा है। तो मयूर सैनी, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मयूर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ अल्टीमेटम अखाड़ा परिषद के संतों की तरफ से दिया गया है सरकार को? आपको बता दूं कि जो है जो बड़े अखाड़े के जो बड़े अखाड़े के जो महंत है पूरे 17 दिन हो गया, पुलिस जो है लगातार कुछ भी खोज नहीं पाई। उसके बावजूद जो है संतों ने पहले ऐलान कर दिया था। हालांकि उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है दबाव में बनी हुई है, बीच में हाथ में जो है और नहीं मिल पा रही। एक बार दोबारा से हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगातार बता दें, अखाड़ा परिषद का सरकार को अल्टीमेटम मिला है, पुलिसिया तंत्र को अल्टीमेटम मिला है,
महंत मोहनदास की बरामदगी अगर दो दिन के भीतर भीतर नहीं होती है तो बड़ा अखाड़ा के संतों ने अल्टीमेटम दिया है कि 4 अक्टूबर से हर की पौड़ी में बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे तमाम संत। ये अखाड़ा परिषद की तरफ से बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। महंत मसले पर यह फैसला लिया गया है अखाड़ा परिषद की तरफ से और एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो एक बार फिर मयूर सैनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मयूर, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम यानी उत्तराखंड के मुखिया खुद जाकर आश्वासन देकर आए थे अखाड़ा में जाकर, खुद प्रकाश जो प्रकाश पंत हैं और मदन कौशिक हैं, तमाम दिग्गज जो नेता हैं मौजूदा सरकार में, वो खुद आश्वासन देकर आते हैं, क्या आश्वासन से महंत मोहनदास वापस आ जाएंगे या कोई और ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से देखा गया तो क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे पहले बताया मोहनदास जो प्रधारी है मोहनदास उनको पूरे 17 दिन हो गया है। हालांकि हाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस पहुंचे थे, हरिद्वार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक वापस जेरा जाने लगे थे, इसके बाद तमाम मंत्री आकर चले गए यहाँ पर, तमाम जितने भी उत्तराखंड के अधिकारी है पुलिस अधिकारी बड़े अधिकारी वो तमाम आकर यहाँ पर चले गए। साफ तौर पर उनका एक ही जवाब था कि महल को खोलना पुलिस कर ली और पुलिस कुछ लोग अपने पुलिस खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद लेकर से लेकर और तमाम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मदद यहाँ पर ले। हालांकि मुंबई जो है उनके परिवार रहते हैं मुंबई के पास, मुंबई में पुलिस की लगी हुई है, लेकिन साफ तौर से आखिरकार अखाड़ा परिषद के जितने भी महल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आखिरकार मोहनदास कहाँ पर लापता हो गए, इसकी वजह क्या है, फिर उत्तराखंड में आखिरकार पुलिस को लगा है, उसके बावजूद जो है पूरे सफर हो गए वही आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक यहाँ पर हुई है। उसका साफ तौर से कहा कि दो दिन का समय उत्तराखंड पुलिस को दिया जाता है और उसके बावजूद अगर ये दो दिन के अंदर जो अगर महल पर कोई सुराग नहीं लगता है तो वो 4 तारीख से जो है हमको अच्छी पहली बार बैठक है और उम्र आंदोलन ये आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज आश्वासन के बाद नहीं सुलझ पाई, जो चीज पूरी तफ्तीश करने के बाद नहीं सुलझ पाई, क्या संतों को ये लगता है कि वो इस तरीके से आंदोलन करेंगे बेमियादी या फिर इस तरीके से धरना देंगे अनिश्चितकालीन, तो क्या महंत मोहनदास का पता चल जाएगा? इसके अलावा संविधान की मदद भी ले जाने क्योंकि लास्ट लोग मेरठ के आसपास भी लास्ट लोग मेरठ के आसपास के जंगलों को भी सवाल लिया है की अंदर पुलिस के आप सुधार को लग जा रहे थे, पुलिस ने जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है एसटी को गठन किया गया था, एसटी ने भी जो है काफी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन आखिरकार कुछ भी सुधार जो उत्तराखंड पुलिस को नहीं लग रहा है। तो ऐसे में जो है पुलिस की बात करें तो पुलिस तो काफी मदद कर रही है, लेकिन खासतौर से जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो समाज है वो काफी रोष में है, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से 17 दिन हो गए मोहनदास का मतलब पता नहीं चला, तो आखिरकार पुलिस क्या करेंगे, के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं, जिस तरीके से लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है, इन स्थिति को देखते हुए अखाड़ा के संतों ने अब ये पीठ कसी है कि अगर दो दिन के भीतर भीतर मोहनदास का पता नहीं चल पाता है तो वो अब आंदोलन के तहत एक धरने पर बैठेंगे और धरने के बाद वो अपनी जो हुंकार है वहां से भरेंगे और ये चेतावनी साफ साफ तौर पर दी गई है मौजूदा सरकार को और पुलिसिया तंत्र को। आपको बता दें अखाड़ा परिषद का जो सरकार को पुलिसिया महकमा को पुलिसिया तंत्र को जो अल्टीमेटम मिला है उस अल्टीमेटम के तहत मोहनदास की अगर बरामदगी दो दिन के भीतर नहीं होती है तो 4 अक्टूबर से हर की पैड़ी में बेमियादी धरने पर तमाम संत बैठ जाएंगे। ये साफ संतों ने कर दिया है, महंत मसले पर फैसला लिया जाएगा, अखाड़ा परिषद ने बड़ा आंदोलन खड़ा करने की भी चेतावनी दी है।